सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हमने रेशियोज का मीनिंग कर लिया था, अकाउंटिंग रेशियोज का मीनिंग भी कर लिया था और रेशियो एनालिसिस का मीनिंग भी कर लिया था, है ना। मैं हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ। रेशियोज मीन्स अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। अकाउंटिंग रेशियोज मीन व्हेन द रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिगर्स फ्रॉम द डाटा टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। And third, one more term was the ratios analysis. You know that accounting ratios jo hai, that is one of the tools of financial analysis. So ratio analysis is that analysis which is done on the basis of accounting ratios. जब हम ratios निकालते हैं उसके base पे firm को analyze करते हैं कि हमारी firm कहाँ stand कर रही है, that is the ratios analysis. और फिर कल हमने types of ratios भी जो हमारे syllabus में है वो भी discuss करी थी। If anybody can Tell me types, main types of ratios. Main types तो मैंने चार बताई थी आपको classifications. One only, only one child is there. Two, three, four. Anybody else? Five, six. Tamanna. Tamanna बोले. Sir, liquidity ratio, solvency, activity and profitability. Yes. The ratios, the main classification of ratios are. One is liquidity ratios, second is solvency ratios, third is activity ratios and last is profitability ratios. और हमने उसमें से liquidity ratios जो थी वो start कर ली थी, liquidity ratios. What is the purpose of calculating liquidity ratios? Purpose of calculating. Or should I ask what is the meaning of liquidity first? First tell me the meaning of liquidity. Liquidity. संयम. Short term solvency. Yes, liquidity means short term solvency. To what extent the firm is able to meet its short term obligations, and what is the purpose of liquidity ratios then? Purpose of liquidity ratios, Ketan? Sir, it shows the whether the firm is able to pay its current liabilities or not. Yes, it shows whether the firm is able to meet its current obligations, to pay its current liabilities or not. लिक्विडिटी, जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो हम करंट लाइबिलिटीज की ही बात करेंगे, बिकॉज हमने वहां पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करी हुई है। और हमने भी कल ये भी पढ़ा था हमने कि लिक्विडिटी जो रेशियोज हैं वो दो हैं, वन इज करंट रेशियो, इसके बारे में मेरी क्या डिस्कशन भी हो गई थी, एंड सेकेंड इज क्विक रेशियो, यही है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। डन, यहां तक हो गया था मेरे ख्याल से, इसका फार्मूला भी हो गया था करंट का। इट्स फार्मूला इज काव्या सर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यस, इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड दिस रेशियो इज शोन इन व्हिच फॉर्म अदिति? सिंपल फॉर्म, प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ना, जो में एक्सप्रेस हम करते हैं 2:1, 3:2, 5:4, उस फॉर्म में ये एक्सप्रेस होती है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ थंब ऑफ दिस रेशियो? रूल ऑफ थंब मींस बेंचमार्क, स्टैंडर्ड रेशियो वी कैन से, आइडियल रेशियो जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ थंब ऑफ दिस रेशियो हिमानी? 2:1 इट इज द रूल ऑफ थंब और स्टैंडर्ड रेशियो। अगर हमने किसी कंपनी को कंपेयर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो तो हम इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज दिस 2 एंड व्हाट इज दिस 1? 2:1 हम कह तो रहे हैं, 2 क्या है और 1 क्या है? एनीबडी एल्स? मुस्कान सर, इट मींस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज मोर देन करंट लायबिलिटी। Of course, it means if it is 1.2:1, then also it is more. The question is, what is 2 and what is 1? The question is this. यहाँ भी more ही है, 1.2 भी तो more ही है। मैं 5:1 लिखता हूँ वो भी more ही है। But the question is, what is 2 in this case and what is 1? चाहत। Sir, 2 is current asset and 1 is current liability. चाहत, 2 is current asset and 1 is current liability. It means For every 1 rupee current liability, the business must possess double amount of current assets. Not exactly double, it should be near double. Current assets, कई assets ऐसी होती हैं
जो जल्दी हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम डबल करंट एसेट्स रखते हैं कि अगर हमें करंट लाइबिलिटीज पे करनी पड़ी, हमारे पास कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, इन्वेंट्री और दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस और बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमारे पास उससे डबल होनी चाहिए कि हमें पे करनी पड़े तो हम उसमें से पे कर पाए. इट मीन्स इफ द फर्म हैज 2:1 दैट करंट रेशियो, इट मीन्स द फर्म इज stable, financially sound as far as short term solvency is concerned. जब double है, now again I am repeating, it doesn't mean that always it should be double, है ना? It may be 1.9, it may be 1.8, may be 2.1, 2.2 depend करता है. यहाँ कहीं है आसपास है तो वो standard के आसपास ही है. Exactly 2 तो वो भी may be कभी हो, may be कभी ना भी हो. ठीक? 2:1 otherwise जो है वो standard ratio है. Done. And second ratio is quick ratio. Quick ratio is also known as liquid ratio. Liquid, not liquidity. It is liquid ratio. Liquid. Liquid ratio is a kind of liquidity ratios. Because both these ratios are under liquidity ratios. Because both show us the current obligations or that the capability of the firm to pay its current obligations. The liquid hai, that is a kind of liquid ratios. Quick ratio, liquid ratio, it is also known as acid test ratio. Acid test ratio. Its formula is quick assets upon current liabilities. जैसे करंट रेशियो का था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यहाँ क्विक एसेट्स अपॉन लाइबिलिटीज विल रिमेन करंट ओनली. यानी कि एसेट्स क्विक हो गई तो लाइबिलिटीज भी क्विक हो जाएंगी. लाइबिलिटीज विल रिमेन करंट ओनली बोथ द केसेस. एसेट्स जो है करंट रेशियो में करंट एसेट्स, क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स. डन. ठीक. इट इज ऑल्सो शोन इन प्योर फॉर्म एक्सिस टू वाई, उसी ही फॉर्म में ही शो की जा रही है. एंड इट्स रूल ऑफ थंब इज 1:1. इट मीन्स जितनी बिजनेस के पास करंट लाइबिलिटीज हैं, अगर उतनी ही क्विक एसेट्स हों तो बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म में साउंड है. इक्वल क्विक एसेट्स वो होती हैं, वेरी इजली वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू कैश, वेरी इजली, राइट? ठीक, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एक दो हमने ये फार्मूला कर लिए. नाउ पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट क्विक एसेट्स. How to calculate quick assets? So formula to calculate quick assets. Quick assets are also known as liquid assets. Liquid assets. एक ही बात. Quick assets is equal to current assets minus inventory and prepaid expenses. Current assets में से inventory और prepaid expenses को अगर हम minus करते हैं, that is the value of quick assets. Also known as liquid assets. Liquid assets भी कह देते हैं, quick assets भी कह देते हैं. Clear होगी ये बात? Because inventory जो हम ये minus क्यों करते हैं, quick assets वो होती हैं जो short span of time में जो है, very short span of time में हम cash में convert कर सकते हैं. अब inventory और prepaid expenses को हम minus क्यों करते हैं? Because inventory may take some time to convert itself into finished goods and then into cash. Prepaid expenses are those expenses which have been paid in advance, वापिस नहीं आएंगे. इनका हम cash generate नहीं कर सकते prepaid का. Inventory का जब हम cash generate करेंगे तो generate करते करते time लग सकता है. इसलिए current assets में से inventory और prepaid expenses minus कर देते हैं to calculate the quick assets. जो बाकी सारी बच जाती हैं, cash, bank balance है, marketable securities है, bill receivables है, debtors है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारी जो बच जाती हैं सारी हमारी क्विक एसेट्स हैं. करंट एसेट्स में से सिर्फ दो चीजें माइनस करनी है आपको, दैट इज इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, तो क्विक एसेट जो है वो आपकी बन जाएंगी. इसीलिए इसका बिकॉज दीज क्विक एसेट्स कैन बी इमीडिएटली कन्वर्टेड टू कैश विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश. इसीलिए इसके जो रेशियो है 1:1 है. जितनी लाइबिलिटीज है उतनी की भी एसेट्स पड़ी हो तो बिजनेस जो है फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है, वो साउंड है. Done. Now, अगर वो कहे कि क्विक एसेट्स आपकी 10 रुपए की और करंट एसेट्स आपकी 12 रुपए की,
व्हाट इज द डिफरेंस? क्विक एसेट्स 10 रुपए की हैं, करंट एसेट्स 12 रुपए की हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? संयम इसका मतलब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 रुपीज के 2 रुपए के हैं, बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 2 रुपए के हैं, क्लियर है ये बात? ठीक है ना, तो पॉइंट इज इस 2 रुपए में इन्वेंट्री कितनी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, ये थोड़ी बताया हमें, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर ये ना बताया गया हो, अगर ये चीज ना बताया, आपको बताया गया कोई कैसे जितनी करंट एसेट जितनी, बाकी के 2 रुपए क्या है, वो इन्वेंट्री है या प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम मानेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस आर जीरो, इट मींस एनी डिफरेंस बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स इज इन्वेंटरी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? ठीक, तो हम यहां से इन्वेंटरी का फार्मूला बना सकते हैं, इन्वेंटरी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, सी यहां भी हमने यही किया, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस क्या है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने तब लेने हैं जब कहा गया हो कितने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं बताया है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में तो वो जीरो है, इट मींस अगर ये जीरो है तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी 2 रुपया है। और इसको हम दूसरे वे से लिखें, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। Should I say inventory plus prepaid expenses is equal to current assets minus quick assets? चलेगा ऐसे? ये सही है मालूम है? यही से बना है। Inventory plus prepaid expenses is equal to current assets minus quick assets. तो prepaid expenses आप हटा दीजिए बीच में से, इसके बारे में बताया क्या होगा? नहीं बताया होगा तो जीरो का। It means any excess of current assets over quick assets is equal to inventory. कितने हो गए हैं फार्मूले हमने जो किए हैं आज? कितने फार्मूले हमने कर लिए हैं? 2 हमने रेशियो कर लिए, करंट रेशियो का फार्मूला, 1 क्विक रेशियो का फार्मूला, 2 1 क्विक एसेट्स का फार्मूला, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, 3 चौथा फार्मूला इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, 4 आपको फार्मूले याद करने पड़ने इस सब चैप्टर में। एक और फार्मूला है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये क्या होती है वर्किंग कैपिटल? ये पढ़ी हुई है आपने बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 7 था शायद, बिजनेस फाइनेंस, उसमें कहीं आया था वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एनीबॉडी एल्स? 1 2 3 वासुदेव सर, जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं वो होते हैं। यस, तो हमें डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे जो चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फार्मूला वर्किंग कैपिटल का है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस टॉपिक में ये 5 फार्मूले हैं, इस लिक्विड रेशियो में ये 5 है। तो वर्किंग कैपिटल का एक हो गया, एक इन्वेंट्री का हो गया, एक लिक्विड एसेट्स का हो गया, एक क्विक रेशियो का, करंट रेशियो का, तो 2 है ही। ये 5 फार्मूले जो हमने हैं वो किए, ठीक है? अपने सामने फार्मूले रख के लिख के रखना और खोले रखना और तभी सम्स होने हैं, नहीं तो सम्स नहीं होने। ठीक, पहले पहले जो है वो आप 2-4 सम, जो 4-5 सम्स है आप चाहे फार्मूला पहले सामने खोल के भी रख सकते हो, फिर कर सकते हो। उसके बाद आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर हर बार मत फार्मूला भी खोल लेना, फिर आप फार्मूला लर्न करके उसके बाद समझ सकते, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला ही आने हैं सारे। आप देख लो 2 रेशियोज हैं, 2 रेशियोज में 5 आपके फार्मूला बन गए, आपके सिलेबस में 17-18 रेशियोज के आसपास है। आप बता लीजिए कितने के फार्मूले बन जाएंगे, है ना? 40 के आसपास तो बन जाने चाहिए आराम से, क्योंकि 17 रेशियोज के फार्मूले हो गए, ठीक? अब अगर हमने रेशियोज कैलकुलेट करनी हो, चैप्टर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1 इज सेज फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो, वैल्यूज विच आर गिवन आर ट्रेड रिसीवेबल्स,
prepaid expenses, cash and cash equivalents, marketable securities, land and building, bills payable, sundry creditors, debentures, inventories and expenses payable. तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, हमने लेना है एक करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज. उसने कहा करंट रेशियो कैलकुलेट करना, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट एसेट्स फटाफट बोलिए जरा. उसके बाद करंट एसेट कौन सी है और Inventories. अगर डिवेंचर्स के बारे में ना बताया गया हो तो वो लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताया गया हो तो नॉन करंट लॉन्ग टर्म. लोन के बारे में बताया गया हो तो लोन करंट लॉन्ग टर्म में वो आएगा. ठीक है, ये आपके होंगे. अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हैं 40,000, देन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 एंड इन्वेंटरी इज 80,000, ओवर बिल्स पेएबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 एंड एक्सपेंसेस पेएबल आर 80,000. इसको प्लस करके डिवाइड कर दीजिए. आंसर इज आंसर 2:1. बस इस चैप्टर में जो आपका आंसर निकलेगा ना, जैसे ये निकला है आपका करंट रेशियो का आंसर, इसको बॉक्स में डाल लेना है, इसको बॉक्स में डाल लेना है. आपने आंसर अपना हाईलाइट करना है, उसको पहले आंसर चाहिए, मेथड बाद में चाहिए. ठीक है, आंसर हाईलाइट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये भी चेक किया जाएगा ना. आप उसको आंसर दिखा दो कि ये देखो, एंड इट इज अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन. आंसर को हाईलाइट करो, बॉक्स पे डालो, बॉक्स डालो, सर्कल करो, कुछ भी करो, आप शुड बी हाईलाइटेड विद द सेम. ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्विक रेशियो पूछी गई हो तो आपने ऐसे ही क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वो डिवाइड कर देनी है, ऐड करके. अगर यहाँ से क्विक एसेट्स रेशियो पूछी गई होती तो हम ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री बीच में ना लेते. प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके 40,000 के, इन्वेंट्री है आपकी 80,000 की, करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज रहती. उस केस में क्विक रेशियो जो है आपकी वो बन जाती 1:20 to 80,000 upon 2,00,000 1.4:1. इसी सम की मैं क्विक निकाल रहा हूँ, इसी ही सम की मैंने क्विक निकाली है. करंट रेशियो में से मैंने, करंट एसेट्स में से मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री नहीं लिए, माइनस कर दिए. 40 के प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, 80 की आपकी इन्वेंट्री थी, तो 120 मैंने 4,00,000 में से माइनस कर 220 आ गया. करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है 2,00,000, तो 2.8 upon 2 is 1.4:1. डन, ये क्लियर है. ठीक है, चलिए आगे. अब एक सम आप देखिए, सम नंबर सेकंड, सेकंड देखिए, ये वही है जिसमें टोटल एसेट्स 5,00,000 दी हुई है, फिक्स टेंजिबल 2,50,000. ये वही सम है? नो सर. नो, ये सर अमाउंट्स डिफरेंट है. अमाउंट्स डिफरेंट है. चलो कोई नहीं, कोई नहीं. ओके, सम सेम ही है, अमाउंट्स डबल की हुई है. उसने कहा कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. पर आप देखिए यहाँ पे आपको ना करंट एसेट्स दी हुई है ना ही करंट लायबिलिटीज. नोट किया आपने, हमें चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. हमारे पास ना यहाँ करंट एसेट्स हैं और ना ही यहाँ पे
करंट लाइबिलिटीज हैं। तो ऐसे वाले सम्स आपने क्या करने, इसके अलावा जो कुछ हमें चाहिए वो है नहीं और जो कुछ नहीं चाहिए वो है। हमें नहीं चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स, हमें नहीं चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरी एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, टेंजी हमें थोड़ी चाहिए। ये चाहिए हमें क्या, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का सारा कुछ दिया हुआ है, बस वही नहीं दिया हुआ जो चाहिए। उसका या तो फार्मूला बनाए अलग अलग से, या फिर इसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहता है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी रफ में अपने लिए, सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दिस इज बैलेंस शीट। एक आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड्स, ये कितने दिए हुए हैं, 640 6.4 लाख। इसके बाद दूसरा है क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का, नॉन करंट लाइबिलिटीज ये दी हुई है आपको 260। इसके बाद थर्ड है आपका करंट लाइबिलिटीज, ये आपको दी हुई है ऐसे ही। देन एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे दो दी हुई है आपको, नॉन करंट एसेट्स में दो दी हुई है, एक दी है आपको फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 5 लाख की, और एक दी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख की, ऐसे ही है, यही दिया है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 5 लाख और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ रुपीज 3 लाख, ये वैल्यूज दी हुई है आपको। दिस इज आई एम प्रिपेयरिंग ए वर्किंग नोट फॉर दिस, ठीक। अब उसने एक बात और बोली है, टोटल एसेट्स आर 5 लाख, कहा है उसने, इफ टोटल एसेट्स आर 5 लाख इट मींस टोटल लायबिलिटीज आर आल्सो 10 लाख है, टोटल एसेट्स 10 लाख, सम डबल किया हमने 10 लाख। इफ टोटल एसेट्स आर 10 लाख देन टोटल लायबिलिटीज आर आल्सो 10 लाख, एंड इफ बोथ आर गिवन टू अस कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन दिस केस। कितनी आई करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी आएंगी, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ये दोनों आपकी बैलेंसिंग फिगर्स बन गई, ठीक। तो करंट रेशियो फाइंड कर लो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 2 लाख बाय 1 लाख, 2:1। बजाय कि हम फार्मूला ही बनाए यहां से, वो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेशन आनी है इसमें, ठीक है। एक बैलेंस शीट बनाओ, वहां से आपको मिल जाएगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, अदरवाइज यू नो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल, डन, ठीक है। चलिए आगे रख कर, ऐसे ही आप सम नंबर थर्ड देखिए। थर्ड सम कौन सा है आपका, करंट रेशियो इज 2.5, यही लिखा है, करंट रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, ये सम कहाँ पे है, आंसर क्या है, करंट एसेट्स 2,50,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख। अच्छा, ये वाला 6 सम कर रहे हैं, 6 ही कर रहे हैं हम। मेरी बुक में सम, मेरी बुक पुरानी है, नई वाली बुक स्कूल में ही रहेगी, सम आगे पीछे की होंगे या अमाउंट्स डबल या ट्रिपल की होंगी। सो करंट रेशियो गिवन है आपको 2.5। नाउ 2.5 मींस 2.5 इज टू 1, इट इज नॉट 2:5, वहां देख लेना वो इज टू लगा है या पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि एक बार ये बच्चे सम गलत करके आ चुके हैं। उसने कहा करंट रेशियो इज 2.1, बच्चों ने इसको 2:1 पढ़ लिया, इट वाज 2.1:1, बच्चों ने कहा शायद 2:1 है, डॉट लगाना भूल गए हैं, सारे सम गलत करके आए हो, 3 मार्क्स में आया, ठीक। तो इट इज 2.5, इट इज नॉट 2:5, इट इज 2.5, इट मीन इट इज 2.5:1, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, ठीक। एक उसने कह दिया है वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,50,000 एंड ही सेज कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये हमने कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक। वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमें, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अभी लिखा था हमने, यही होता है, ठीक।
अब जो करंट रेशियो दी हुई है इसमें 2.5 इज करंट एसेट एंड 1 इज करंट लायबिलिटी, ऐसे ही है। और शुड आई से करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज, मे आई से लाइक दिस, करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। इफ आई से नेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स? 2.5x. तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1.5x, ऐसे ही है। एंड इट इज गिवन टू अस, इट इज 1,50,000, इट मींस वर्किंग कैपिटल दैट इज 1.5x इज इक्वल टू 1,50,000, तो x इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 1.5 1 लाख। x क्या था? करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x, 2.5 इनटू 1 लाख दैट इज 2,50,000। एक आपका आंसर ये बन गया और दूसरा आपका आंसर ये बन गया। वर्किंग कैपिटल फार्मूला हमने बना लिया बिकॉज हमारे पास अमाउंट ही वर्किंग कैपिटल की थी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके 2.5x minus x is 1.5x and 1.5x is given working capital, it is 1,50,000. So x is equal to 150 upon 1.5, that is rupees 1 lakh. And when the current liabilities are 1 lakh, current assets are 2.5 times means into 1 lakh, that is 2.5 lakhs. ठीक है ये? Then आपका ऐसे ही है। एक सम देखना मेरे वाले में है, सम नंबर 5 है जिसमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,80,000, टोटल डेट्स दिए हुए हैं 3,90,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं 3 लाख, ठीक है। मेरे वाले में 5 है, सम नंबर 5 है आपके बुक में सम? नो सर। सर अमाउंट्स डिफरेंट है। कितनी अमाउंट है सर? वर्किंग कैपिटल 18 लाख, टोटल डेट्स 19,50,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स 15 लाख। नहीं बेटा कुछ हो जाएगा, कोई नहीं, कल कर लेंगे, स्कूल में कर लेंगे या हम उसमें, नो प्रॉब्लम। आप चलो आप लिखिए सम, कोई बात नहीं, आप सम लिखिए, तीन वैल्यूज ही है। लिखो वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,80,000, वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, टोटल डेट्स आर 3,90,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आर 3 लाख। वर्किंग कैपिटल 180, टोटल डेट्स 390 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख। यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट रेशियो। अगेन करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। कुछ है हमारे पास यहाँ करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में से दिया हुआ है कुछ? कुछ दिया हुआ, लॉन्ग टर्म दिया हुआ माइनस कर देंगे। हाँ मैं तो पूछा कि दिया हुआ है कुछ, जो करना है वो बाद में करते हैं, दिया हुआ है नहीं। जब हम दिया हुआ की बात करते हैं ना, कमिंग टू बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, जब इसकी हम बात करते हैं, इक्विटी लायबिलिटी साइड में एक होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। इससे आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट बन जाता है लायबिलिटी साइड का, ऐसे ही होता है। जो शेयर होल्डर फंड्स हैं दीज आर द ओनर्स फंड्स, ओनर्स इक्विटी। जो लायबिलिटीज हैं दीज आर द डेट्स, आउटसाइडर्स फंड्स, बोरोड फंड्स वी कैन से। ये डेट्स हैं, मीन हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। इसमें से नॉन करंट जो है
वो 12 महीने के ज्यादा वाले हैं, करंट जो है 12 महीने कम वाले हैं। यहाँ उसने बोल दिया टोटल डेट्स आर 390, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्लस करके जो है वो 390 है, 390,000, जबकि लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो 3 लाख के हैं। तो करंट डेट्स कितने बन गए, करंट लायबिलिटी कितनी बन गई, 90,000। समझाइए बात, ठीक। टोटल डेट्स मीन्स टोटल ऑफ नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज, एंड वन इज गिवन टू अस दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स, दूसरा जो है करंट लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 390,000 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 90,000, एंड उसने दी हुई हमें वर्किंग कैपिटल। अब यहां से वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज गिवन टू अस, इट इज रुपीज 180, सो 180,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 90,000, ये भी ठीक है। करंट एसेट्स इसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी हमने निकाल ली, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 180 प्लस 90, 2,70,000। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ गई 270 की, करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई 90,000 की, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू 2,70,000 अपॉन 90,000, दैट इज 3:1, ठीक है। बाकी की हम सम्स जो है वो कल करेंगे, इसके पहले अपने जो सम्स है ना 8-10 सम्स आप ट्राई कर सकते हो, जाएंगे आपसे 8-10 के आसपास सम्स आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे वाले भी कर सकते हो, लेकिन 8-10 तो आराम से कर सकते हो। बाकी इसकी डाउट्स जो है वो परसों हम सुन लेंगे, कल आपका ऑफ है इसलिए आप इसको जो कर लेना सम्स को, कम से कम 8-10 सम्स, ठीक है। असाइनमेंट वाले सम्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।